हेलो फूडीज, वेलकम टू माय चैनल शोम्स डेलिकेसी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक बढ़िया सा चीज़ केक बना सकते हैं बिल्कुल अपने घर पे, वो भी बिना बेक किए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके, ताकि हर हफ्ते आपको बढ़िया सा फूड वीडियोज़ मिलता रहे। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं इस चीज़ केक का रेसिपी। गाइज, यहाँ पे मैंने लिए ओरियो सैंडविच बिस्किट्स, जो आता है बिल्कुल कैडबरी के ब्रांडिंग की ओर से। ये करीब 120 ग्राम है, यानी कि 30 रुपए का ये पैक आता है। इसका हमें करना क्या है, हल्का सा घुमाएंगे तो ये बिस्किट बड़ी आसानी से खुल जाता है। उसके बाद एक नाइफ की मदद से हम इसका सारा क्रीम और बिस्किट अलग अलग करके एक एक जगह पर रख देंगे। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, बेसिक सा प्रोसेस है, आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद इन सारा बिस्किट में से मैं करीब 6 निकाल के रख दिया हूँ मेरा फाइनल प्रोसेस करने के लिए, यानी कि फाइनल स्टेप के लिए। और बाकी जितना भी बिस्किट बचा है इसका हम कर लेंगे एक बिल्कुल फाइन सा पाउडर मिक्सर ग्राइंडर में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया एक सिंपल सा एल्यूमिनियम बॉक्स, जिसमें मैं ब्रश करूँगा थोड़ा सा बटर, ताकि चीज़ इसमें हमारा चिपके ना। उसके बाद वो जो पाउडर था वो मैंने बिल्कुल इसमें डाल दिया है। इसमें मैं ऐड करूंगा मेल्टेड बटर, यानी कि पिघला हुआ बटर, करीब 4 चम्मच। और एक चम्मच की मदद से बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद सेट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से 3 से 4 मिनट तक मिक्स करेंगे और इस तरह से हम इसे एक चम्मच की मदद से बिल्कुल आराम से सेट कर लेंगे। तो हमारा पहला लेयर बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे हमारा चीज़ वाला, यानी कि दूसरा लेयर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चीज़ स्प्रेड, जो आता है गो के ब्रांडिंग की ओर से। आप चाहे तो कोई और ब्रांड का चीज़ स्प्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये 200 ग्राम का है। इसका हम ऐड करेंगे 3/4 हिस्सा, यानी कि 150 ग्राम हमारे पैन पे। बेसिकली आप एक चम्मच छोड़ के सारा इसमें ऐड कर दीजिएगा। फ्लेम हमारा बिल्कुल लो पे है, हाई बिल्कुल मत करिएगा। ये सारा प्रोसेस हम करेंगे फ्लेम बिल्कुल लो में रख के, वरना जलने का चांसेस बढ़ जाएगा। बिल्कुल अच्छे से इसे हम पिघला लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगा पाउडर किया हुआ चीनी, करीब 1.5 कप। अगर आप क्रीम चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 कप चीनी काफ़ी होगा। चीज़ स्प्रेड जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा नमकीन होता है, इसलिए मैं 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। चीनी ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसमें मैं ऐड कर दूंगा हमारा सारा वनीला क्रीम और बिल्कुल अच्छे से इसे हम कुक करेंगे करीब 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि हल्का सा उबल नहीं जाता। लास्टली मैं इसमें ऐड करूंगा वनीला एक्सट्रैक्ट, यानी कि वनीला एसेंस, करीब 1 चम्मच, और इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं उबल के बिल्कुल तैयार है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगा और इसे ठंडा कर लेंगे। 5 मिनट थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगा हमारा सारा चीज वाला लेयर। बिल्कुल बढ़िया से हमारा सेकंड लेयर भी तैयार है। इसे हम ठंडा करने रखेंगे 5 से 6 मिनट तक, एक बार सेट कर लेना है। 5 से 6 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा स्टिफ हो चुका है, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर में हार्ड हो गया है। हमारा जो 6 बिस्किट था जिसे मैंने अलग से निकाल के रखा था, उसका भी मैंने एक बिल्कुल फाइन सा पाउडर बना लिया है। ये सारा मैं स्प्रेड कर दूंगा इसके ऊपर, बिल्कुल आराम से स्प्रेड करते जाना है। पतला सा लेयर बनाएंगे, ज़्यादा मोटा लेयर नहीं बनाना है। एक चम्मच की मदद से हम इसे बिल्कुल अच्छे से स्प्रेड करेंगे और सेट करते रहेंगे। उसके बाद बस एक ही स्टेप है इसे ठंडा करने का। फ्रीज़र में रख देंगे करीब 3 से 4 घंटे तक, फिर हमारा केक बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फ्रीज़र में रखने से पहले इसे कवर कर लेंगे। गाइस, एल्यूमिनियम के बॉक्स के साथ ही एक इस तरह का कवर मिलता है, जिसे बेसिकली हम इसे कवर करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कवर नहीं है तो आप एक सिंपल सा प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम बढ़िया से कवर करके रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 3 से 4 घंटे बाद हमारा केक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे काट लेंगे। काटने के लिए आपको करना क्या है, ये जो साइड्स है उसे हम काटेंगे पहले कैंची के मदद से, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ताकि ये निकालने में थोड़ा सा आसानी हो। एक नाइफ की मदद से हम इसका साइड्स काट लेंगे ताकि ये बिल्कुल चिपके ना। फिर आप इसे कोई सा भी शेप में काट के निकाल सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी से रिलेटेड कोई से भी डाउट है बिल्कुल आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। आप मेरे फेसबुक और इंस्टा हैंडल भी चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मैं मिलता हूं आपके साथ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन आई एम योर होस्ट कुक एंड द शो, गुड बाय फूडीज।